डियर स्टूडेंट्स वेलकम और आरसी ऑनलाइन पाठशाला टुडे वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 5.2 एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स एंड द वर्टिसेस ऑफ दैट ट्रायंगल आर दिस वन। देखिएगा, ध्यान देना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर क्या क्या है, K4 2, -6 एंड 5, 4। ये आपके पास क्या है, वर्टिसेस है किसके, आपके ट्रायंगल के। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या होगा, 35 के आगे क्या लगाओगे, प्लस माइनस। और ये आपको मैंने बताया था कि जब किसी क्वेश्चन में आपको एरिया गिवन हो तो आप क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम प्लस माइनस जरूर लगाएंगे, क्योंकि इधर क्या आएगा, डिटरमिनेंट आएगा, और डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए प्लस माइनस लगता है। और अगर आपको एरिया थ्री वर्टेक्स क्वेश्चन में गिवन है और उसके बाद में आपको एरिया फाइंड आउट करना पड़ गया, तो उस कंडीशन में आपको एरिया पॉजिटिव ही लेना है, भले ही आपका आंसर नेगेटिव आ रहा हो, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। और आप यहाँ में दोबारा से बता देता हूँ कि एरिया नेगेटिव नहीं है, ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, इसलिए हम नेगेटिव लिया है। देखिएगा ध्यान से, अब आगे क्या करोगे, 1/2, उसके बाद देखो K4 1, 2 -6 1, 5 4 1 इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 35। इसे आप लिख लीजिए K4 1, 2 -6 1, 5 4 1 और ये किसके इक्वल आएगा, प्लस माइनस 70। अब उसके बाद आगे देखो कैसे होगा, अब केवल इसे सोल्व करना है और क्वेश्चन को हल करना है। सो देखिए ध्यान से, और एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आपको मैं नोट्स पहले भी बना के भेजता हूं, लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब आप वीडियो देखें इस वीडियो के साथ में ही नोट्स लिखें, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ उससे आपको क्लास वाली फीलिंग आएगी, और अगर आप नोट्स देखोगे तो फिर इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो आपको वीडियो के साथ देखना, मैं कंप्लीट लिखता हूँ क्वेश्चन में जो भी आपको लिखवाना होता है, तो क्वेश्चन के साथ ही आप वीडियो लिखें, और अगर वीडियो में कोई दिक्कत आ जाए तो जो मैं भेजता हूँ उसमें से आप देख सकते हो। तो देखिएगा आगे, यहां पे क्या है, के -6 -4, ये -4 है, और उसके बाद क्या आएगा, ये कॉलम हट गया, ये रो हट गई, तो यहां से क्या आया, 5 -2 +1, और उसके बाद क्या आया, 8 +30, और ये डिटरमिनेंट आपको सोल्व करना आता ही है, और ये क्या है, प्लस माइनस 70। उसके बाद देखो यहां से क्या आया, -10 के ये क्या आ गया, -12 नहीं आएगा, ये 2 -5 होगा। देखिएगा, ये -4 लिया, ये रो हट गई, ये कॉलम हटा और ये रो हटा, तो क्या आएगा, 2 और -5, तो ये आएगा +12 +38 = +-70, और यहां से क्या आया, -10 के +50 = +-70। अब उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बिल्कुल इजी मेथड, यहां लिखोगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, और यहां पे लिखोगे टेकिंग नेगेटिव साइन, और उसके बाद -10 के +50 = 70, -10 के = सेपरेशन कर लो, ये लो -10 के = 20 और k = -2, ये आ गया।
उसके बाद आप देख लीजिए, जब आप नेगेटिव साइन लोगे तो क्या होगा, माइनस 10 के प्लस 50 इक्वल टू माइनस 70। सेपरेशन कर लो, माइनस 70 माइनस 50 और माइनस 10 के इक्वल टू माइनस 120 और के इक्वल टू, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो 10 के इक्वल टू 120 और 0 से 0 कैंसिल आउट करो तो के इक्वल टू क्या है 12। तो आपको ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, यही आपके क्या होंगे, फाइनल आंसर होंगे। इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है।